लेकिन मछली जो देखिए बनी है, ग्रेवी देखिए कितना अच्छा, बहुत ज्यादा ठीक, अच्छा नहीं लगता मछली का ग्रेवी। मम्मी मेरे ना रहते भी आप इतना अच्छा बना देती हो। और क्या। देखो बहुत ज्यादा हम मछली नहीं चला अच्छा, सकते ना, हम मछली नहीं अम्मा चलाते बेटा। टूटने नहीं देना मम्मी, टूट बहुत अच्छा जाता। पीस है, टूटने मत देना। गाइस देखो मैंने कम कांटे वाली पीस ली है, टेस्ट किया जाए इसको, बहुत गजब लग रहा है यार मेरे को तो। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम कतला फिश बना रहे हैं। कतला फिश? हाँ, यानी हम मछली का सालन बनाएंगे जो कि एकदम झटपट बन जाएगा, बिल्कुल नए तरीके से होगा और टेस्टी तो होगा ही, तुरंत बन जाएगा एकदम झटपट। ये बैचलर के लिए खास है और सबके लिए ये है भाई, समय की बचत है, मेहनत की बचत है, टेस्टी भी है। ठीक है। हाँ तो देखो इसको कुछ खास ज़्यादा करना नहीं है, अब ये तो नॉर्मल ही रहेगा। ये मछली है, इसमें हम धो लिए हैं, 1 किलो फिश है ये। ठीक है, तो देखो इसमें हम 1 चम्मच ये मिर्ची पाउडर डाल दिए। 1 चम्मच? हाँ, 1 चम्मच, ये करीब आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दिए, 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको डाल दिए, और बस मछली के अनुसार इसमें नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस जितना मछली है ना उतने ही हल्का नमक डालना है। अभी सबको मिला देना है, ये मैरिनेशन हो रहा है। हाँ मैरिनेशन है, बस इसको 5-7 मिनट तक छोड़ना है, ज़्यादा देर तक नहीं। ठीक है, अब मछली को मैरिनेशन में रखे हुए 2-4-5 मिनट हो गया है, अब देखिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गरम कर लेना है, ये सरसों तेल है। मम्मी फटेगा तो नहीं ना? नहीं फटेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी दूर हट जाओ, फटता ही है मछली कभी कभी। बस कम कम डाल के ही हम इसको फ्राई करेंगे, इसको तुरंत नहीं पलटना है, जब तक नीचे क्रिस्पी ना हो जाए तब तक नहीं पलटना है, आँच को तेज रखना है। अब देखिए ये मछली फ्राई हो गया है, अच्छी तरह फ्राई हो गया है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, नहीं तो इसका जूस सूख जाएगा। अब एक एक करके हम इसको निकाल लेंगे, देखिए, और हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बढ़िया फ्राई हुआ है मछली। अब इसी तरह करके जो बचा हुआ मछली भी हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए ये पूरा मछली तल गया है, देखिए कितना अच्छे से तल गया है। अब उसी तेल को जो जिसमें हम मछली फ्राई किए थे उसी तेल को एक कुकर में ले लेना है। अब देखिए कुकर तेल भी यहाँ गर्म ही है। अब देखिए ये आधी चम्मच जीरा है, 2 सूखी मिर्च है, 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, थोड़ी सा जायत्री है, 4 तो हम लौंग कूट लिए हैं, इसको डाल लेना है। यही हम 2 ये लहसुन डाल देंगे। जैसे ही जीरा फूलेगा, ये 2 गांठ लहसुन छील लिए हैं इसको डाल देंगे, ये 2 मीडियम साइज प्याज हम रफली काट लिए हैं इसको हम डाल देंगे। अब इसको हमको लाल होने तक भूनना है। अब प्याज भून गया है, अब यहाँ हम 1 इंच ये अदरक का टुकड़ा मतलब घिस लिए थे, इसको भी हम थोड़ी सा भून लेंगे। पहले डालने से ये चिपक जाता तो ये प्याज लहसुन उतना अच्छा नहीं भून पाता। अब आँच को बिल्कुल कम रखना है। अब यहाँ हम मसाला डाल रहे हैं, तो पहले हम भर भर के 2 छोटे चम्मच ये धनिया पाउडर डालेंगे, फिर हम 1 चम्मच ये मिर्ची पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ये आधी चम्मच ये हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर आधी चम्मच ये जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर हम 1/3 डालेंगे। अब इसको हमको बिल्कुल सिम आँच पर धीमे धीमे भूनना है 2 मिनट तक, आँच को बिल्कुल सिम रखना है, इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ेगा। देखिए ये भून गया है धीमी आँच पर, अब ये 1 बड़ा टमाटर है इसको डाल देंगे। अब टमाटर गया तो नमक जाएगा, और नमक बस मसाले के अनुसार ही डालना है क्योंकि मछली में पड़ा हुआ है वहाँ फिश फ्राई के समय। अब देखिए ये करीब हम 1 चम्मच यहाँ नमक डाल दिए। देखिए ये लहसुन जो डाले हैं ना इसको अच्छी तरह गलना बहुत ज़रूरी होता है, यानी सलकना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए मसाला भुन गया है, टमाटर भी कच्चापन चला गया है, अब यहाँ हमको पानी डालना है। देखिए अभी 1/2 ग्लास पानी डाले हैं। अब इसको हमको मीडियम आंच पर 2 सीटी लगाना है, 2-3 सीटी लगा सकते हैं आप इसको, तो हम इसको आँच पर सीटी लगाएं। ये बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, आप लोग आगे देखिएगा जरूर, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तब समझ में आएगा। तब तक के लिए हम बंद करते हैं इसको।
अब ये तीन सीटी होने के बाद हम बंद कर दिए थे और ये मसाला बन के तैयार है। अब इसको ये लहसुन को बचाते हुए मिला लेना है मसाले को और इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेना है। देखिए अच्छी तरह ये खुद गल गया है, मिल जाएगा आराम से। अब इसको हमको मिला के ट्रांसफ़र कर लेना है कढ़ाई में। अब हम कुकर का मसाला है ये कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिए, गैस भी हम चालू कर दिए हैं। देखिए तेल भी सेपरेट हो गया, बहुत अच्छी तरह मसाला ये गल गया है, मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ज़रूरत अनुसार हमको पानी डालना है। अब ये जैसे ही खोलेगा हम पूरा मछली डाल देंगे उसमें। अभी ग्रेवी खोल गया है, अब यहाँ देखिए आधा चम्मच हम गरम मसाला डाल के मिला देंगे इसको। अब मछली धीमे धीमे करके हमको इसमें डाल देना है। देखिए इसमें जो ये लहसुन गया है ना, बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत टेस्टी लगेगा, खास करके मछली के साथ मिल के तो और अच्छा लगेगा। बस अब मछली डालने के बाद हम इसको मतलब धीमी धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक होने लगे ताकि मसाला मछली एक दूसरे का फ्लेवर और टेस्ट मतलब आपस में मिल जाए। अब ये मछली बन के देखिए तैयार हो गया है और तुम भी छत से आ ही गए हो। मम्मी फाइनली मैं छत से आ गया हूँ, हाँ, अपना टास्क कंप्लीट करके। हाँ, पानी पता था ना, जल्दी जल्दी पटा रहे होंगे। थक गया लेकिन मछली जो बनी है, ग्रेवी देखिए कितना अच्छा, बहुत ज्यादा ठीक, अच्छा नहीं लगता मछली का ग्रेवी। मम्मी मेरे ना रहते भी आप इतना अच्छा बना लेती हो। हालांकि तुम बहुत सपोर्ट करते हो बेटा, ऐसा नहीं है, नहीं करो कैसे हम करेंगे। बहुत अच्छा बना है लेकिन मम्मी क्या दिख रहा, मम्मी चला के दिखा दो। हाँ, बेहतरीन। ये इसमें बहुत यूनिक तरीके से बना है, देखो लहसुन प्याज एकदम से मतलब आपस में मिल जाता है। देखो बहुत ज्यादा हम मछली नहीं चला सकते। अच्छा, मछली नहीं चलाते बेटा, नहीं देना मम्मी, बहुत अच्छा पीस है, टूटने मत देना, गजब दिख रहा है। ये जो लहसुन भूनने के बाद जो मैश होता है ना कुकर में गलने के बाद, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिना ट्राई किए कोई कैसे जानेगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है वो तो मैं ही बता पाऊंगा, खाली टेस्टिंग गैंग वाले लोग ही बता सकते हैं ये चीज, है ना मम्मी। एक गोल वाला पीस दिखाओ ना, ये वाला नहीं, वो वाला ये, हाँ हल्का सा देखना, टूटे ना, बाकी सब ठीक है। भाई 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 ले जा, रहन दो, इतना बड़ा अब रहन दो, रहन इतना दो, इतना बड़ा है कि टूटेगा ही। हाँ, मैं हार मानता हूँ मम्मी, ये सिर्फ अब मेरे पेट पे जाके टूटना चाहिए, ठीक है ना। बस चलो टेस्टिंग की जाए। हाँ, बिल्कुल करो मम्मी, करूँ टेस्टिंग? हाँ टेस्ट करो। गाइस टेस्टिंग करता हूँ, सबसे पहले राइस के साथ आज मैंने ले ली है मछली। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को ये गर्म मसाले वाली मछली उतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज देखो क्या बनता है। क्योंकि सरसों की मछली, सरसों के रस्से वाली का एकदम मुंह में लगा हुआ है मेरे। राइस के साथ ट्राई किया जाए, फर्स्ट बाइट। अच्छा बनेगा भाई, हम तुमको बोले थे पहले मम्मी, पहले भर भर आ जाते हो कि नहीं अच्छा लगेगा मम्मी। डिफ तो है यार, मेरे को नहीं पता था ऐसा बनेगा। तो डिफरेंट खाओगे तब तो टेस्ट जानोगे, पहले नहीं, सरसों के मसाले के अलावा कुछ होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं यार सही में, हाँ तो ये तो चैलेंज वाली बात हो गई। तो पहले ही बोल दिया कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, प्याज डाला नहीं अच्छा लगता। यार ये तो सही में अच्छी लग रही गाइस, मछली का सालन ऐसा भी अच्छा लगता भाई। और देते क्या, एक पीस अच्छा लग रहा है तो ले लो। यार नहीं, पहले यही पीस तो खा लू मम्मी मैं। गाइस देखो मैंने कम कांटे वाली पीस ली है, टेस्ट किया जाए इसको, बहुत गजब लग रहा है यार मेरे को तो। गाइस इसको लगता था बस सरसों के मसाले का ही मछली अच्छा लगता है, लेकिन आज स्वाद लगा तो लगा कि अच्छा नहीं है, सही में अच्छा लग रहा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा। हम तुमको पहले बोले थे तुम हमेशा बनवाते हो सरसों के मसाले वाला, इसलिए तुमको वही, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। पीस देखो गाइस, पीस एकदम मस्त पक गया ये तो। हाँ तो मछली पकने में कितना, उसपे ग्रेवी डाल दे थोड़ी सा। थोड़ा ग्रेवी दे दो, ग्रेवी तो इसकी, ग्रेवी तो मेन अच्छी लग रही मेरे को। अच्छा तो बनते ही, हम तुमको पहले ही बोले थे। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, लेकिन थोड़ा स्पाइसी है, आप लोग भी अपने हिसाब से स्पाइस डालना। हाँ, तो हम स्पाइसी बनाए ही थे। बस 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 मम्मी बस, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी है ना तो उसको राइस के साथ खाने में ही ज्यादा मजा आएगा। वैसे रोटी के साथ भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, वो तो पसंद आती है अपनी। ये वाला बाइट देखो भाई, बड़ा कोर, अच्छा रस्से में लपेट के खाना भाई, तब मजा आएगा। देखो ये सरसों का मसाला है ना बेटा, ये ज्यादातर बिहारी में बनता है, हर जगह तो ज्यादातर लोग यही मसाला खाते हैं, गरम मसाले वाले। हाँ, तो यार मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना टेस्टी बनेगा। ये जहाँ हो एमपी में यही मसाला डलता है और अच्छा लगता है। क्या देखो, पीस देखो भाई, है कि नहीं पीस, है कि नहीं। राइस के साथ लिया जाएगा, मछली का सालन और चावल भाई, वर्ल्ड फेमस। नहीं नहीं मूली नहीं मम्मी,